जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बीएलएससी इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आईटी सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक है, काफ़ी शानदार तेजी से स्टॉक में बनी है और तेजी बनने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है जो नए व्यक्ति हैं या जिनका पहले से भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इस प्राइस पर एवरेजिंग कर सकें। तो टोटल माजरा क्या है, इस स्टॉक में क्या चल रहा है और लंबी अवधि में निवेश के लिए ये स्टॉक कैसा हो सकता है, इसमें हम लोग निवेश की रणनीति को और अपॉर्चुनिटी दोनों को ढूंढेंगे। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं, समझते हैं। देखिए बीएलएस इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में पहले भी चैनल पर काफी बात हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है, इसलिए अभी इस पर लेटेस्ट अपडेट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम काम की बात करें तो जो बीएलएस इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी है ये आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी काम करती है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी संबंधित जो भी छोटे बड़े काम होते हैं कंपनी करती है। तो देखिए आपको ये बात पता है कि आईटी सेक्टर का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। पिछले कुछ दिनों से आईटी सेक्टर का स्टॉक में तेजी बनी हुई है, जिसकी बदौलत आपको बीएलएस इन्फोटेक में चार्ट पर दिखाऊंगा कि इस कंपनी में भी तेजी बनते हुए नजर आया है। हालांकि चूंकि जिस पर बताया कि प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे रेड फ्लैग में ये स्टॉक अभी चल रहा है, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म की बात है। यदि हम लोग फंडामेंटल समझें तो मार्केट कैप तकरीबन 128 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। चूंकि पेनी स्टॉक है तो पी सामान्यतः पेनी स्टॉक में नदारद ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर पी का स्क्रीनर की वेबसाइट पर पता नहीं है। खैर हम चार्ट पर देखते हैं कहाँ पे लेवल है और वहाँ पे प्राइस को उठाते हैं, इसलिए हमें पी से कोई लेना देना नहीं है और पेनी स्टॉक में वैसे भी प्राइस सस्ता ही होता है। तो 2 रुपये 92 पैसा के आसपास प्राइस है और सबसे बढ़िया बात है कि जो बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, हमेशा बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर वैसा है। और सबसे अच्छी बात कंपनी का जो ROE और ROCE है यह भी देखेंगे तो माइनस में नहीं है। हालांकि देखिए बहुत कम है, 0% के आसपास है, लेकिन अच्छी बात है कि माइनस में नहीं है। माइनस में होता तो ज़्यादा टेंशन की बात होती। अब चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर बाकी चीज़ों को समझते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं 1 साल के चार्ट पर और 1 साल के चार्ट पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि पहले से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन सितंबर 2023 के बाद से इसमें तेजी आना शुरू हुआ। और देखिए ये जो आप लेवल देख रहे हैं 2 रुपये का लेवल, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके लिए ये सपोर्ट भी था और यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस भी था। तो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर निकला, लेकिन एक ही झटके में ऊपर निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद प्राइस को नीचे आना था। नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पर कुछ दिनों तक आप देखेंगे तो ये कॉन्सोलिडेट भी किया है तकरीबन 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 20 पैसा के बीच में। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस कॉन्सोलिडेट करने लगे तो समझिए कि वो तैयार हो रहा है, मतलब एक लंबे ब्रेकआउट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। फिर लंबी कंसल्टेशन के बाद ये स्टॉक यहाँ पे नवंबर में देखेंगे तो बाहर निकला और सब सीधे आया 3 रुपये 20 पैसा के आसपास, जो कि तो कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस था। 3 रुपये 20 पैसा के आसपास आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जब जब किसी भी स्टॉक का प्राइस आता है ब्रेकआउट के बाद तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता ही होता है। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ सकता है, क्या यहाँ तक आ सकता है? नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा प्राइस। देखिए नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद मुझे उम्मीद है 2 रुपये 80 पैसा तक आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये 60 पैसा तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार आकर रेजिस्टेंस जैसा काम किया था और यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, तो 2 रुपये 60 पैसा तक आ सकता है। यहाँ तक प्राइस आने के बाद फिर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा और जब ऊपर उठेगा तो हम लोग यहीं पर 2 रुपये 60 पैसा के आसपास या जहाँ से इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर उठने लगे वहीं पर हम लोग एंट्री ले लेंगे जो नए व्यक्ति हैं, और जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप भी यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। तो हमने चार्ट पर यह समझा कि कहाँ पर हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। यदि हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, हमें लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो ठीक है जो भी बाई सेल कीजिएगा वो आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च का बदौलत कीजिएगा। मेरा जो अनुमान है वो मैंने अपनी राय इस वीडियो में रखा है। थोड़ा सा यदि हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करें तो समझ में आएगा कि ये जो कंपनी है, अभी देखेंगे यहाँ पे हम सेल्स की ओवरऑल बात करते हैं। देखिए ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो 8 लाख के आसपास है, खर्चे 23 लाख के आसपास है, यानी कि जितनी कंपनी की अभी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चे हैं, जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कमाई है आसान भाषा में कहें तो माइनस में है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर देखेंगे 0-0 है। ओवरऑल बात यह है कि फंडामेंटल उतना बेहतर अभी इस कंपनी का नहीं है, लेकिन चूंकि आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आने वाले समय में धीरे धीरे कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा और मजबूत हो ही रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में प्रमोटर्स भर भर के हैं, कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी पर यकीन है, वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तकरीबन 60% के आसपास प्रमोटर्स है पेनी स्टॉक में, ये कोई कम बात नहीं होती है।
बाकी पब्लिक के पास तो अच्छी खासी हिस्सेदारी है इस स्टॉक में, तकरीबन पब्लिक के पास देखेंगे तो 40% के आसपास भी हिस्सेदारी है। ओवरऑल बात यह है कि बीएलएस इन्फोटेक लिमिटेड लंबी अवधि में लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो बातें थी कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ बहुत बड़ा ऐसा अपडेट नहीं है इसके बारे में, कंपनी बोनस वगैरह कुछ लेकर आ रही है, आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। कंपनी का ओवरऑल व्यू मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।